बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा 2024 की विधिवत शुरुआत हो गई है। इस बार चार धाम यात्रा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले दो दिनों में श्रद्धालुओं ने केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में पहुंचने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के कारण सरकार प्रशासन से लेकर आम तीर्थयात्रियों तक को परेशानी हो रही है। यमुनोत्री धाम में भीड़ उमड़ने के कारण हाईवे से लेकर पैदल रास्ते तक जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तीर्थयात्री इसमें फंसे रहे, बिना दर्शन करे ही उन्हें लौटना पड़ा। यमुनोत्री धाम में भारी भीड़ के कारण उत्तराखंड पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए अपील जारी की है। उन्होंने तीर्थयात्रियों से अनुरोध किया है कि रविवार को यमुनोत्री धाम की यात्रा स्थगित करें। पहले ही वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, इस कारण अगर आज तीर्थयात्री यमुनोत्री धाम की तरफ जाते हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, वहां जाना जोखिम भरा हो सकता है। चार धाम यात्रा में केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में उमड़े श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले साल के पहले दो दिनों की तुलना में 50% से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए। गंगोत्री मंदिर में जरूर पिछले साल के मुकाबले पहले दिन संख्या कम रही, लेकिन शनिवार को वहां भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई। चार धाम और मंदिर में दर्शन के लिए अब तक 24,42,000 से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। केदारनाथ धाम में 2023 में कपाट खुलने के दिन 25 अप्रैल को 18,335 और दूसरे दिन 26 अप्रैल को 13,492 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस साल 10 मई को कपाट खुलने के दिन ही 29,030 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे थे। दूसरे दिन 11 मई को 22,599 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में वर्ष 2023 में कपाट खुलने के बाद पहले दिन यानी 22 अप्रैल को 6,838 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था, जबकि दूसरे दिन 23 अप्रैल को 7,593 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। इस साल 10 मई को कपाट खुलने के दिन ही 12,193 और दूसरे दिन 11 मई को 809 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम की यात्रा की। यमुनोत्री धाम में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को चौकस किया गया है। प्रशासन ने दावा किया है कि पैदल मार्ग और हाईवे पर इंतजामों को दुरुस्त कर दिया गया है। यमुनोत्री मार्ग पर वाहनों को चिन्हित स्थानों पर कुछ समय के लिए रोकने के बाद नियंत्रित तरीके से रवाना किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन बंद।